उसी को पढ़ते हैं। इमोशन तुमने पहले भी शायद पढ़ा होगा, लास्ट क्लास या उसके पहले कभी। मोशन? यस सर। बताओ डेफिनेशन मोशन, कैन यू डिफाइन इट? एनीथिंग दैट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम दैट से इट इज इन मोशन। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, है ना? और इसके टाइप्स भी है हाँ मेरे ख्याल से, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? जो मतलब सेम, जिसका टाइम इंटरवल सेम होता है, वो मतलब कि सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी से चेंज अपना, चाहे सेम जैसे तुमने मोशन पिछला करे। लाइन बोला इंग्लिश में अच्छा से, वैसे ऐसे सुना के दिखाओ। ऑब्जेक्ट देखो मोशन कैसे पहले लिख सकते हैं, ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, ठीक है, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का क्या हो जाएगा? ए बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना, अलग अलग टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट ठीक लाइन है? में। हाँ, और नॉन यूनिफॉर्म का कैसे बनेगा, तो कैसे भी बन सकता है, ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है ना। यहाँ लिख सकते हो ये टाइम है और ये मान लो तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है, नाम ये टाइम है और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। या फिर वीटी ग्राफ भी बनाते हैं, ये है डीटी ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम, है ना। और ऐसे ही होता है एक वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी वेलोसिटी वर्सेस टाइम, है ना। ओके, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी पता होगा। यस सर। हाँ, क्या डिफरेंस है? स्केलर क्वांटिटी में जिसके पास डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है, हाँ, जैसे जैसे मास, टाइम, जैसे एक स्पीड हो गया, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एक होता है वेलोसिटी, है ना, मतलब इसमें क्या लिखा रहेगा, 20 मीटर पर सेकेंड टूवार्ड्स नॉर्थ या फिर ईस्ट या वेस्ट, है ना, कुछ ले सकते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट, है ना। डायरेक्शन रहेगा इसमें, जैसे कोई चोर हाँ भागा है वेक्टर उसे में पकड़ना डायरेक्शन है। होगा। हाँ, जैसे कोई चोर भागे उसे पकड़ना है, तो पहले वो लोग पूछेंगे ना किस तरफ भागा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड हो गया नॉर्मल लेवल, लेकिन वेलोसिटी हो गया थोड़ा हाइयर लेवल, है ना। तो हम लोग नॉर्मली वेलोसिटी ज्यादा पढ़ेंगे, है ना, बिकॉज इट इंक्लूड्स डायरेक्शन। ओके, और यस सर। इसके तुमने वो पढ़े हैं 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। थ्री बेसिक। हाँ बताओ एक क्या होता है क्या। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या सर, हाँ, वी स्क्वायर इक्वल टू, यू स्क्वायर प्लस 2 AS। हाँ इसमें सिक्स। और वी इज वी इक्वल है टू क्या, यू वी प्लस क्या है इसमें? 18। वी इसमें फाइनल वेलोसिटी और यू इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, ए ए एक्सीलरेशन और एस डिस्प्लेसमेंट या फिर टाइम। हाँ गुड। टाइम, टाइम कहाँ से आ गया? ना इसमें नहीं है, दूसरा फॉर्मूला हाँ, दूसरा बताओ। है। वी इज इक्वल टू यू प्लस 18। ठीक है, और तीसरा? और एक और, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। 2 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। एक्सलरेशन का डेफिनेशन? एक्सीलरेशन मतलब जब बॉडी जो चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, उसी को बोलते हैं। डेफिनेशन ऐसी लिखोगी, यू नहीं आर टोल्ड टू राइट द डेफिनेशन फॉर एक्सेलरेशन, तो क्या लिखोगी? ठीक इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला सुना है? हाँ, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हाँ फाइनल वेलोसिटी, यूनिट डिफरेंस और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये हो गया एक्सलरेशन।
ओके कवर से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। कैन रिलेट इट्स स्पीड इन फर्स्ट सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड मीटर पर सेकेंड, थर्ड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बताओ सेंटीमीटर पर सेकेंड में कैसे कर सकते हैं? सेंटीमीटर में स्पीड ही है ना, स्पीड तो दिया है ना, मैं स्पीड इज इक्वल टू कितना दिया है? स्पीड स्पीड दिया नहीं है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? और स्पीड का फॉर डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस इनटू टाइम तो बिल्कुल ही गलत। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक हाँ है, तो तुम्हें ओके डिस्टेंस दिया ही हुआ है 3 किलोमीटर और टाइम दिया ही हुआ है 5 मिनट्स, तो स्पीड में हम ऊपर लिख देंगे डिस्टेंस और नीचे लिख देंगे टाइम। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नहीं। अब इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो ये किलोमीटर में, तो इसको मतलब कि 2 मीटर में, तो इसको ये 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक नहीं, किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर? ये कितना मीटर? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर? नहीं, मिस मीटर में। यस 1 किलोमीटर में लिखा है ना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? सर, तो कितना मीटर होता है 1 किलोमीटर में? 1 किलोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होगा। मैं तो मीटर पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं। 1,000 मीटर होता है ना? 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा गलत है खाली, 1-0 तुम्हारा। तो पहले तो 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है ना, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर बता रहा हूँ। हाँ, तो सेंटीमीटर तो गलत हो गया ना, तुम 10,000 बता रही हो, यहाँ पे 100,000 निकल रहा है, 1 लाख निकल रहा है ना, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, और तुम बोल रही हो 10,000। तो हमको तो सब आना चाहिए ना, ठीक सबसे है, पहले ठीक। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर तो होता ही है। ठीक है, इतना याद रहेगा हाँ तो इसी से हो जाएगा। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर 1 मीटर में 100 तो 1,000 में कितना? 1,000 × 100 है ना, इतना सेंटीमीटर हाँ इक्वल टू कितना हो गया? जितना 0 है वो सब इधर लिख दो, इतना सेंटीमीटर होगा, है ना? तो अगर 3 किलोमीटर है तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 और 1 2 3 4 5, है ना, मतलब 3 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमको देखो किसमें करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, है ना? तो ऊपर तो सेंटीमीटर में आ गया, अब नीचे सेकंड में करना है, तो 5 मिनट को सेकंड में तो कर ही सकती हो। हाँ तो इसको ये 3,600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 600? 3,600, 3,600। 3,600 से क्यों करेंगे भैया? नहीं, 5 मिनट को हमें सेकंड में लिखना है, तो 5 मिनट में कितना सेकंड होगा सोचो। सिक्स हाँ, ओ हाँ, हम आवर में कर रहे थे। नहीं, 5 × 60 करेंगे। तो आराम से सोचो, बताओ जल्दी नहीं। 5 × 60 है ना, ये 0 0
कट गया। आवर में चेंज करने के लिए 3600 से करते हैं। हाँ 6500051000, मतलब कि हो गया कितना, और यहाँ पे सेकंड भी लिख सकते हो, ये हो गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। अब मीटर हाँ पर सेकंड में बताओ क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू, पहले तो 3 किलोमीटर बाय 5 मिनट है ना, अब इसका बताओ मीटर पर सेकंड। हाँ ऊपर मीटर में लाएंगे तो कितना होगा, पहले तो वो तो बताओ, 3 किलोमीटर में तो कितना मीटर हुआ, 1 मिनट, आंसर 10 आ रहा है, 10 तो बाहर, टेन पहले मीटर बताओ पर 3 किलोमीटर सेकेंड किलोमीटर की जगह कितना मीटर ऊपर लिखेंगे। 3 × 1000 मीटर लिखिए। हाँ 3000 हो ना, हाँ गुड, और नीचे कितना आ गया, और 5 × 16। ये कट गया है ना, 6 5 हाँ0 इक्वल टू 10 मीटर पर, हाँ ये टेन, सही है। हाँ और आप ये वाला कर दो, किलोमीटर पर आवर वाला करो, 3 किलोमीटर बाई 5 मिनट है ना, ऊपर अब तो करो उतना ही ना बताओ। रहेगा। बिल्कुल, ये तो सोचना है, जब किलोमीटर है तो किलोमीटर रखेंगे ना, उसको क्यों चेंज करेंगे, खाली नीचे हमको घंटे में करना है ना, 5 मिनट दिया हुआ है, तो करो आराम से कॉपी करके बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर। पॉइंट में आ रहा है, बोले 0.0833 0.0833 आवर, तो कटेगा कैसे? चलो मैं भी करके देख लेता हूँ, 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 इंटू कितना लिखेंगे कि सेकंड में, नीचे आवर लाना है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय करेंगे है ना, हाँ 5 डिवाइडेड बाय कितना आवर में करने के लिए, हाँ 60 होगा ना, तो ये 60 चला जाएगा ऊपर, 60 × 3, और नीचे बच जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 12 12 3 36 किलोमीटर पर आवर, बस वहां इतना पॉइंट, इतना खतरनाक आंसर कैसे आ गया। लेकिन 5 आवर को तो चेंज करेंगे तो इतना ही आएगा। अगर 5 मिनट फाइव को आवर आवर में को, चेंज हाँ करेंगे तो 5 मिनट को नहीं, अगर आवर में, हाँ बोलिए। नहीं तुम बोलो पहले, 5 मिनट को अगर आवर में चेंज करेंगे तो इतना ही आ रहा है डिवाइड करके, तो चलो अगले पेज में फिर से करते हैं, 3 किलोमीटर फिर बाय डिवाइड फाइव करेंगे मिनट है तो ना, हाँ 3 किलोमीटर बाय 5 मिनट है ना, तो 3 किलोमीटर हाँ को तो हम लोग 3 किलोमीटर ही रहने देंगे, 5 मिनट हाँ को अगर घंटे में करना है तो क्या करेंगे, 5 तो 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यही ना, ठीक है, हाँ 5 बाय 60 हो गया ये आवर है ना, या फिर 1 बाय 12 ऐसे ले सकते हैं, 1 बाय 12 आवर है ना, ऐसे भी लिख सकती हो, वैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू, ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, 3 किलोमीटर को तो ऐसे ही रहने दिए, और नीचे क्या आ गया हमारा, हाँ 1 बाय 12 आवर है ना, अगर यहाँ 1 बाय 12 है तो ये 12 ऊपर चला जाएगा ना, एक तरह से क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 1 बाई 12, दिस कैन बी रिटन एज 3 × 12 बाय 1, ऐसे करते हैं ना, तो बस 36 किलोमीटर पर आवर आ गया, क्या डाउट है। हम डिवाइड किए थे। हाँ तो इतना डिवाइड क्यों करना है, 3 बाय, यही तो स्मार्टनेस दिखाना है, कि खाली इस 12 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो 36 आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया, यस सर, ठीक सपोज एक क्वेश्चन है, ट्रेन
ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड ट्रेन बी ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है, विच ट्रेवल्ड फास्टर। ये कर सकते हो? देख सकते हैं, स्पीड निकाल कर हम करते हैं। हाँ गुड, निकालो। इसमें कुछ कन्वर्ट करने ज्यादा जरूरत है नहीं। नहीं ठीक कर। ट्रेन बी का स्पीड ज्यादा है। ट्रेन ए का स्पीड कितना है? 40 40 किलोमीटर पर आवर, और बी का कितना आ गया? 180 by 4 है 45। ना, 45 किलोमीटर पर आवर है ना, तो बस इसमें स्पीड निकालती तो हो गया। डी एक्सेलरेशन पता है क्या होता है? डी नहीं मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो पता ही है, एक्सेलरेशन का उल्टा। हाँ, जैसे जैसे मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड मूवमेंट। स्क्वायर है ना, तो अगर डी एक्सेलरेशन आ गया तो इसका क्या हो जाएगा? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं गाड़ी का तो एक्सेलरेट होता है, मतलब स्पीड बढ़ता है। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो डी एक्सेलरेट होता है, यानी कि स्पीड उसका कम होती जाता है ना। यस सर। इसका डेरिवेशन आते हैं तीनों इक्वेशन के। नहीं, नहीं उसको प्रैक्टिस करना, ढूंढ ढूंढना, नहीं तो बाद में करेंगे, टाइम मिलेगा तो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, मतलब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म का डेफिनेशन पता ही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डेफिनेशन। पता है क्या होता है? वी इज इक्वल टू, ये तो पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है? तो इसमें लिखते हैं हम लोग 2 pi r/t, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस हो ना, जो सर्कल का, तो वो हो गया 2 pi r, यस और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो इस पे कैसा क्वेश्चन आता है? जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए सर। तो डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा। और क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो कहीं भी होता है, डायरेक्शन है ना, यहाँ से जा रहा है ना ये ऐसे, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी कि यहाँ से लेकिन यहाँ पहुंच वापस तो गया उसी है। पॉइंट पर आ जाएंगे। हाँ, वहां वापस आ नहीं रहा है, वो चलता जा रहा है। लेकिन जैसे अगर हम 2 pi r ले रहे हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया है अगर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, तब उसने कितना टाइम लिया है? मगर यहाँ रुक थोड़ी गया, इसलिए बोल रहा है यहाँ पर रुक गया, तो भी चल रहा है ना, सर्कुलर मोशन में बस यस चल सर। रहा है, ठीक है। लेकिन इसका फाइनल कहाँ है या इनिशियल कहाँ है, ये हमने अभी डिक्लेयर नहीं किया है ना। तो हम लोग बस मान के चल रहे हैं कि केवल 2 pi r अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लेगा है ना, इसीलिए हम उसको जीरो नहीं ले सकते अभी, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो तो मान लो एक क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक बना हुआ, उस पर जा रहा है। सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स,
इफ रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 105 meters, फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है, इसको कैसे करेंगे बताओ। स्पीड क्या हो गया, 2 पाई आर बाई टी हुआ ना वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे स्पीड का मतलब क्या हो गया, एक तरह से वेलोसिटी, तो 2 पाई आर बाई टी है ना फॉर्मूला लिखा हुआ, हाँ तो बस यही लगा देना है। 2 पाई मतलब 2 × 2/7 इनटू आर, अगर एक सर्कल का मान के चलते हैं तो हम लोग अगर स्पीड लिखेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम जैसे लिखते थे वैसे, यहाँ पे क्या है 2 पाई आर बाई टी, ये इसी का फॉर्मूला है ना वी का, वेलोसिटी पूछे या यस सर, स्पीड पूछे 2 पाई आर बाई टी होगा, तो 2 पाई इंटू आर, आर पता है हमको हाँ हाँ कितना दिया वन हुआ है, फिफ 1.5 मीटर. 105 ना हाँ डिवाइडेड बाय, 1.05 और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 2 मिनट्स. क्या हम यहाँ 2 ही लिखेंगे, 9, 2 × 60. 2 × 60। हाँ गुड, इसको एक बार सॉल्व तो बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा। हाँ मेरा बहुत अजीब कुछ आंसर आता है, पता नहीं. ये 2 2 तो ऐसे कट मेरा गया, 1/2 आ गया, पता नहीं कैसे. 2 2 2 2 तो ऐसे कट गया। ठीक है 60 है तो यहाँ भी 5 से कट जाएगा, 5 12 और यहाँ 5 21 जा, ठीक है ये भी हो जाएगा 3 4 जा, 3 7 जा, ये 7 7 यही कट गया, तो क्या आ गया 22/4, मतलब 4 5 जा 20.5, 4 5 जा 20.5 मीटर पर सेकेंड है ना। उसका स्क्रीनशॉट लो और देखो तुम्हारा क्या गलत हुआ था ना, ये सब तो सिंपल, ये सब तो होना चाहिए। ठीक है इसको मैं क्लियर कर दूं, यस सर. रेक्टिलीनियर मोशन क्या होता है। ठीक है तो इस द मोशन मोशन इन अलोंग स्ट्रेट लाइन. ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है और क्या टर्म है, काइनेमैटिक्स ना, तुम्हारे बुक में होगा देखो, इट रेफर्स टू, इट डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन। ठीक है इसमें काइनेमैटिक्स ये आएगा नहीं, बट फिर भी ऐसे ही पता होना चाहिए। ठीक है तो काइनेमैटिक्स में क्या करते हैं हम लोग, वी स्टडी द वेज टू डिस्क्राइब मोशन, कि मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है ये पढ़ते हैं हम लोग, तो ये किस लिए, कैसे पैदा हुआ, कैसे ये मोशन हुआ, किस चीज की वजह से, इसका हमें कोई जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है हम बस मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके कारण को हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है काइनेमैटिक्स में। ठीक है मतलब वो मोशन कैसे आया, मतलब किस हाँ रीजन से जैसे आया कोई, वो नहीं हाँ पढ़ना. जैसे कोई सर्कुलर मोशन में है ना, कोई स्ट्रेट लाइन में, ये सब चीज हम पढ़ रहे हैं, कोई नॉन यूनिफॉर्म है, बट ये किसकी वजह से है, सर्कुलर मोशन में है तो किसने धक्का दिया या किस वजह से, ये सब चीज हमें कोई मतलब नहीं है, है ना। नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई मोशन में आ गया है ना, या कोई फोर्स अप्लाई हुआ है, कैसे अप्लाई हुआ है, सब कारण हम लोग नहीं पढ़ रहे इसमें है ना काइनेमेटिक्स में। ठीक है इसमें हम बस मोशन को डिजाइन, मैं लिख देता हूँ उसका डेफिनेशन। ठीक है इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी द वेज टू डिस्क्राइब मोशन, इस पूरे चैप्टर में लोग यही पढ़ेंगे, तो हमने आ जाएगा। ठीक है विदाउट
विदाउट फाइंडिंग, लिख सकते हो विदाउट फाइंडिंग द कॉज ऑफ इट, कॉज ऑफ इट या फिर कॉज ऑफ मोशन, है ना, कि मोशन का कॉज क्या था, किस वजह से कोई बॉडी मोशन में आया है, उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें बस उसको डिस्क्राइब करना है, इतना मीटर पर सेकंड है या ई टुवार्ड्स ईस्ट है, टुवार्ड्स वेस्ट है, सब जो पढ़ेंगे, है ना, बट क्यों है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्या रेफरेंस पॉइंट, है ना, रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, है ना। कोई भी बॉडी कहीं भी है तो हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि कहां से कितनी दूर है। जैसे लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में मान लो ये 1 पर है और वाई में मान लो ये 3 पे, तो हम लिखते हैं ना कि 1 एंड 3, ये इसका कोऑर्डिनेट, तो हमें पता लग गया कि पॉइंट कहाँ पर है ना। तो दिस ओ या ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड एज द रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इससे कितना दूर है ये देख रहे हैं ना हम लोग, कि ये जो पॉइंट है 0 वाला, इससे कितनी दूर है, तो ये वाला कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। कहाँ, विथ रेफरेंस टू व्हाट, है ना, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं देखो, इट इज कन्वीनियंट टू चूज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब यही हो गया एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मतलब खाली 2D हो गया, एकदम 3D नहीं, 2D, एक्स एंड वाई। सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, है ना, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर में हम लोग क्या करेंगे, इसी में से एक लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सिस क्या कहलाएगा, जेड, ठीक है। तो ये हो गया क्या, जेड थ्री डी, एक्सिस। है ना। अब हम हाँ लोग इसको 3 वे में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ जो हमने एक्स वाई लिखा, अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो 1 3 तो ठीक है एक्स वाई, एक और जेड भी है, हो सकता है जेड का वैल्यू 2 हो 1 हो, कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 ले लिया, है ना। यानी कि एक्स वाई एंड जेड, 3 कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू 1 3 एंड 2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज 3D। कितने मूवीज बनते हैं ना 3D में, ना देख के हम एकदम रियल यस लगता है। सर। तो उसमें क्या है, एक्स वाई जेड, कोई क्यूब हम लोग बुक में बना रहे हैं पर सही में देखेंगे तो वो क्यूब बिल्कुल 3D में है, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है, चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, हाइट भी है ना। तो 3D हो गया, 3 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन।3 डायमेंशंस हैं उसके, एक एक्स की तरफ है, एक वाई की तरफ है और एक जेड की तरफ है ना, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, ठीक है। ओके, द कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई जेड मैंने बताया, डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, इसका पोजिशन बता रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का कहाँ पर है, ठीक है। जैसे ये जो मैंने पॉइंट कोई बॉडी ले लिया, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स वाई जेड, दिस इज टेलिंग अस द पोजिशन विथ रेफरेंस टू दिस जीरो, है ना, या ऑरिजिन। टू मेजर द टाइम वी पोजिशन ए क्लॉक इन दिस सिस्टम, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद ए क्लॉक कंस्ट्रक्ट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम लोग इसी को देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। ठीक है। तो ये बस समझने के लिए, सब टर्म्स तुम्हें यूज नहीं होगा मगर फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, तो इतने टाइम के बीच में क्या क्या हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ का मतलब पता है, पाथ लेंथ पाथ लेंथ मान मतलब लो, उस पाथ का जितना। हाँ हाँ, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी भी हो गई वो कहलाएगा पाथ लेंथ, है ना, यहां से लेके पाथ पूरा लेंथ, हम लोग मेजर उस करेंगे ना, पाथ यहां का से लेके यहां तक। जितना लेंथ हाँ, तो ऐसा नहीं है कि शॉर्टेस्ट, जैसे भी गए, है ना, है। वो हो गया पाथ लेंथ, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसमें पाथ लेंथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या डेफिनेशन, दिस इज द अरे डिस्प्लेसमेंट, तुम जाओ डिस्प्लेसमेंट ना। यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट, पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस है ना। अगर हम लोग ऐसे ऐसे भी गए हैं, मान लो ए से बी तक, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में स्केल से ऐसे बस ज्वाइन कर और उसको मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, ठीक है। देखो, सर। तो तुम्हारे पेज नंबर 43 में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3.1 दिखाई दे रहा है, 43। हाँ,
पेज नंबर 43 में है, एग्जाम्पल 3.1 देखो, एग्जाम्पल 3.1 43 पेज में कहीं और है। 43 में तो नहीं है कोई भी ओके क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा एग्जाम्पल 3.1 देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एग्जाम्पल 3.1 कुछ क्वेश्चन है। सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन सेकंड चैप्टर है तो वहां सब कुछ 2.1 या फिर 2.2 से इंडिकेट है। हाँ तो ठीक है, 2.1 देखो, 2.1 हाँ है क्वेश्चन। द कार इज मूविंग वाला ही है ना। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ऐसे करके पढ़े पूरा। ओके तो इसी, इसमें क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, तुम चेक करो तुम्हारी बुक में है कि डिलीट कर दिया। ए कार इज मूविंग, हाँ इसी सेकंड चैप्टर का है ना। हेलो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन, ओके नहीं ये नहीं है इसमें, मात्र दो ठो प्रॉब्लम दो क्वेश्चंस हैं उसमें, ये नहीं है एक ओके। तो कार एक काम करेंगे, मूविंग। मैं तुम्हें ये वाला जो क्वेश्चन है इसका फोटो भेजता हूँ, और तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन है वो तुम मुझे फोटो भेजना, और एक बार इन क्वेश्चंस को ऐसे ही देखना, ठीक है। तुम्हारे जो भी एग्जांपल्स होंगे ना एक बार मुझे भेज देना, ठीक है। ये हो सकता है यस दूसरा सर। वाला बुक मेरा कहीं नीचे रखा है, उसको देखना पड़ेगा, हो सकता है नया वाला बुक में होगा, ये पुराना वाला बुक है। तो मुझे तो अपने क्वेश्चन भेज दो, मैं अपना वाला भेज देता हूँ, और फिर इसके बाद प्रैक्टिस करना जितना हो सकता है, बाकी फिर कल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आज हमने खाली बेसिक पढ़ा है ना, अभी एडवांस कुछ नहीं पढ़ा, अभी सब बचा हुआ है एक तरह से। ये तो हमने बेसिक पढ़ा है, वी इक्वल टू यू प्लस वी तो पहले भी था, है ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, है ना, और एवरेज, अब ग्राफिकली वगैरह भी इसमें बहुत सारे बने हुए क्वेश्चन, तो इनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट तो मुझे भाई एग्जाम्पल और जो तुम्हारा पेजेस के ग्राफिकल हैं, तो है हाँ नहीं, ग्राफ इसमें है नहीं, एक बस एक है, एक क्वेश्चन है ग्राफ से हाँ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में तो ग्राफ ज्यादा से नहीं। समझाया होगा ना, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो मुझे एक बार हाँ हाँ फोटोज भेज दो अपने बुक वाला, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कुछ अदर चीजें एडेड हैं या फिर कुछ निकाला हुआ, मैं चेक कर लूंगा, है ना। तो उस हिसाब से फिर कल करते हैं क्लास, यस सर। ठीक है। मुझे फोटोज व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, ठीक है, आज का इतने रहने देते हैं, हाँ ओके।